नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 मई, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बाढ़ से बचाव के लिए सीएम नीतीश ने सभी जिलों के डीएम को दिया आदेश। बिहार में 2878 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाने की है योजना। राज्य में अवैध बालू खनन पर कसेगा नकेल। इंटर में नामांकन के लिए संस्थानों को मिलेगा नया यूजर आईडी और पासवर्ड। इस खिलाड़ी को सीएसके का कप्तान बनाना चाहते हैं वसीम अकरम। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आईजीआई में 1086 पदों पर भर्तियां। आईजीआई एविएशन सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 1086 पदों पर योग्य उम्मीदवार के चयन के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं या इससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 जून 2023 तक निर्धारित की गई है। ऐसे में इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 21 जून 2023 से पहले ऑफिशियल वेबसाइट igiaviationdelhi.com पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। बाढ़ से बचाव के लिए सीएम नीतीश ने सभी जिलों के डीएम को दिया आदेश। राज्य में मॉनसून के आने से पूर्व ही आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा बाढ़ से बचाव की तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि इसके लिए विभाग की ओर से राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है और साथ ही मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी है। इसके साथ ही बारिश के साथ ही नदियों के जलस्तर के आंकड़े भी रोजाना आपदा प्रबंधन विभाग को देने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा प्रशिक्षित गोताखोरों, स्वयंसेवकों और मोटरबोट चालकों की सूची भी तैयार करने का निर्देश दिया गया है। सूची के द्वारा कहा गया है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों के तटबंधों का निरीक्षण कर उसकी मरम्मत कर ली जाए और सामुदायिक रसोई का संचालन करने वाले शरण स्थलों का भी पहले ही पहचान कर लिया जाए। राहत शिविरों और प्रभावित इलाकों के लोगों के लिए जरूरी दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी जाए। इसके साथ ही बाढ़ को लेकर कई अन्य निर्देश भी दिए गए हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे छवि पांडे के बारे में। छवि पांडे एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री है। वह लाइफ ओके के एक बूंद इश्क में तारा, स्टार भारत के मिस्ट्री थ्रिलर सीरियल काल भैरव सहर्ष्य में नम्रता सिंह और सोनी टीवी के लेडीज स्पेशल 2 में प्रार्थना कश्यप की भूमिका निभाने के लिए जानी जाती है। छवि पांडे ने अपने करियर की शुरुआत साल 2008 में इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 1 से एक गायिका के रूप में की थी। 2013 में उन्हें लाइफ ओके के टीवी सीरियल एक बूंद इश्क में तारा की मुख्य भूमिका मिली। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में कभी पीछे नहीं देखा। उन्होंने ये है आशिकी बंधन, लेडीज स्पेशल प्रेम बंधन, काल भैरव रहस्य, नमः और शुभ लाभ, आपके घर में जैसे कई सुपरहिट टीवी सीरियल्स में काम किया है। छवि ने 17 साल की उम्र में टेलीविजन पर अपने सफर की शुरुआत की थी। छवि ने शास्त्रीय संगीत और कथक सीखा है और वह एक पेशेवर गायिका भी है। उन्होंने 2012 में एक भोजपुरी फिल्म विदेशिया में भी काम किया है। बिहार में 2878 किलोमीटर नए रेलवे लाइन बिछाने की है योजना। आरटीआई से मांगी गई जानकारी पर रेलवे बोर्ड की ओर से दिए गए जवाब के अनुसार रेलवे की राज्य में चल रही 52 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में से 17 प्रोजेक्टों में से 15 नई रेलवे लाइन बिछाने, एक लाइन दोहरीकरण और एक गेज परिवर्तन के प्रोजेक्ट पर ब्रेक लगा दिया गया है। वही रेलवे बोर्ड के अनुसार राज्य की 32 नए प्रोजेक्ट में कुल 2278 किलोमीटर रेलवे लाइन का जाल फैलाया जाना है। मालूम हो कि इनमें से कुछ प्रोजेक्ट लगभग पूरे हो चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन 32 प्रोजेक्ट में से 11 ऐसे प्रोजेक्ट है जिसकी लंबाई 100 किलोमीटर से अधिक है। मालूम हो कि जिन बड़े प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई है उनमें बांका भितिया रोड, सीतामढ़ी जयनगर निर्माला वाया सुरसड, आरा भभुआ रोड, गया डाल्टनगंज वाया रफीगंज, मोतिहारी सीतामढ़ी और दरभंगा कुशेश्वर स्थान के नाम शामिल है। वहीं इस मामले को लेकर पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार के द्वारा कहा गया है कि कौन सा प्रोजेक्ट किस कारण से रुका है इसकी जानकारी लेने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। नई शिक्षक नियमावली के खिलाफ पटना के सड़क पर उतरी शिक्षकों की भीड़। राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में नई शिक्षक नियमावली को मंजूरी दिए जाने के बाद अब नई नियुक्ति होने वाले शिक्षकों के लिए वेतनमान भी तय कर दिया गया है। वहीं अब इस नियमावली के विरोध में बीते दिन नियोजित शिक्षकों के द्वारा बिहार की राजधानी पटना के सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया गया। मालूम हो कि इस विरोध प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों के द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार के द्वारा जो नई शिक्षक नियमावली को मंजूरी दी गई है उसको लेकर वह जिले के डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे और इस नियमावली को रद्द करने की मांग करेंगे। इस दौरान शिक्षकों के द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और साथ ही बीपीएससी से परीक्षा कराने के फैसले को वापस लेने की मांग की। शिक्षकों का कहना है कि 1.5 दशक से शिक्षक की नौकरी करने के बाद हमें फिर से परीक्षा देकर नए शिक्षक के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं, जो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है।
राज्य में अवैध बालू खनन पर कसेगा नकेल। राज्य में अवैध बालू खनन पर नकेल कसा जा सके इसके लिए बिहार सरकार से खान एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से पूरे प्रदेश में सभी जिलों से अवैध बालू खनन के खिलाफ छापेमारी की रिपोर्ट तलब की गई है। बता दें कि इस रिपोर्ट की समीक्षा मुख्यालय के द्वारा की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ समय पहले विभाग के द्वारा सभी जिलों को अवैध बालू खनन मामले को लेकर कार्रवाई करते हुए संवेदनशील मार्गों की पहचान करने और अवैध बालू घाटों की निगरानी करने का निर्देश दिया गया था और अब इस संबंध में ही विभाग की ओर से रिपोर्ट की तलब की गई है। मालूम हो कि अवैध बालू खनन को लेकर विभाग द्वारा छापेमारी FIR चार्जशीट और कार्रवाई की निगरानी की जाएगी। विभाग का मानना है कि इन सब की मॉनिटरिंग से अवैध खनन को लेकर अद्यतन स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बिहार में मनरेगा के तहत जारी 1.23 करोड़ जॉब कार्ड रद्द। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा बीते दिन दी गई जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा पिछले एक साल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत 1.2 करोड़ से अधिक कार्ड को रद्द कर दिया गया है, जिसमें वैसे कार्ड शामिल हैं जो पिछले काफी समय से निष्क्रिय थे। वहीं इनमें कुछ जॉब कार्ड ऐसे भी हैं जो फर्जी थे या आधार नंबर से लिंक नहीं थे या फिर लाभार्थियों की मृत्यु हो गई थी। इसके साथ ही उन जॉब कार्डों को भी रद्द कर दिया गया है जो जॉब प्राप्त करने के बाद राज्य से पलायन कर चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि पिछले एक साल में विभाग की ओर से राज्य में कुल 23.07 लाख नए जॉब कार्ड मजदूरों को उपलब्ध करवाए गए हैं। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे बेला पैलेस के बारे में। बेला पैलेस दरभंगा का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। बेला पैलेस दरभंगा जिले में मुख्य शहर में स्थित है। बेला पैलेस राजबहादुर विशेश्वर सिंह जी का निवास स्थान था। राजबहादुर विशेश्वर सिंह महाराजा धीरज कमलेश्वर सिंह के भाई थे। यह महल बहुत सुंदर है। इस महल के पास ही में एक गार्डन बना हुआ है जिसे बेला गार्डन कहते हैं। यहाँ पर एक तालाब भी देखने के लिए मिलता है। राजबहादुर विशेश्वर सिंह को जानवरों से बहुत प्यार था। उन्होंने अपने घर में रॉयल बंगाल टाइगर पालतू जानवर के जैसे पाल रखा था। उनके पास मगरमच्छ और घड़ियाल भी थे। यह महल बहुत सुंदर है और आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। इस महल को आप बाहर से देख सकते हैं। यह अब एक सरकारी ऑफिस है। यह दरभंगा में दिखने लायक एक मुख्य जगह है। इंटर में नामांकन के लिए संस्थानों को मिलेगा नया यूजर आईडी और पासवर्ड। बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरमीडिएट सत्र 2023-25 में दाखिले की प्रक्रिया के लिए शैक्षणिक संस्थानों के प्राचार्य को उपलब्ध करवाने के लिए DEO को नया यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा गया है। बता दें कि इस यूजर आईडी और पासवर्ड की गोपनीयता प्राचार्य को बरकरार रखने का निर्देश दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंटर में एडमिशन लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया OFSS पोर्टल के माध्यम से इसी महीने से शुरू हो जाएगी। मालूम हो कि इस पोर्टल पर राज्य के सभी जिलों के विद्यालयों और उन विद्यालयों में मौजूद सीटों की संख्या का जानकारी उपलब्ध है, जिस पर देखकर छात्र अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने विद्यालय का चयन कर सकते हैं। आनंद मोहन की रिहाई के विरोध में दायर याचिका पर इस दिन सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन की जब से जेल से रिहाई हुई है तब से लगातार उनके रिहाई का विरोध किया जा रहा है। बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट पूर्व सांसद आनंद मोहन के रिहाई के विरोध में किए गए दायर याचिका को लेकर सुनवाई करने वाला है। दरअसल यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में DMG कृष्णैया की पत्नी टी उमा देवी द्वारा आनंद मोहन के रिहाई के खिलाफ दायर की गई है। उन्होंने कहा कि आजीवन कारावास का मतलब आखिरी सांस तक जेल में रहना है। यदि किसी हत्या के दोषी को मौत की सजा दी जाए तो उसे बाद में मिले आजीवन कारावास की सजा को सामान्य नहीं माना जाता। अब समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले को लेकर सुनवाई की तारीख दे दी गई है। दी गई तारीख के अनुसार 8 मई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में याचिका की सुनवाई करेगा। जुलाई अगस्त में 20 भाषाओं में होगी CTET। CBSE की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार जुलाई 2030 में ली जाने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। बता दें कि इस परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया CBSE के द्वारा शुरू कर दी गई है जो कि 26 मई तक चलेगी। यानी कि अभ्यर्थी 26 जुलाई रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। मालूम हो कि अभ्यर्थियों को परीक्षा के दिन की सूचना प्रवेश पत्र में दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभ्यर्थियों को केवल CTET वेबसाइट पर जाकर ही इस परीक्षा के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मालूम हो कि इस परीक्षा के लिए राज्य में 6 शहरों पर केंद्र बनाए गए हैं जिनमें पटना, गया, भागलपुर, आरा, मुजफ्फरपुर और दरभंगा शामिल है। बता दें कि अभ्यर्थियों को परीक्षा का सेंटर पहले आओ और पहले पाओ के तर्ज पर दिया जाएगा। जातीय गणना पर आज होगी सुनवाई। आज यानी कि 2 मई को पटना हाईकोर्ट में बिहार में हो रहे जातीय गणना पर रोक लगाने के लिए सुनवाई की जाएगी। बता दें कि पहले यह सुनवाई बीते दिन यानी कि सोमवार को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन और जस्टिस
मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ के द्वारा किया जाना था, लेकिन बीते दिन इस सुनवाई को टाल दिया गया और अब आज इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले को लेकर शीर्ष अदालत के द्वारा पिछले सप्ताह कहा गया था कि इस मामले से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट के द्वारा 3 दिनों के भीतर सुनवाई किया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया था कि अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बता दें कि फिलहाल बिहार में जातीय गणना के दूसरे चरण का कार्य किया जा रहा है, जिसे सरकार के द्वारा 15 मई तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में 1-2 स्थानों पर बारिश के आसार। बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 2 दिनों से जिस तरह से बारिश हो रही है उससे जनजीवन पर इसका असर साफ देखने को मिला है। इधर मौसम के जानकारों की माने तो अगले 2 दिनों तक तेज हवा चलने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की माने तो गुरुवार तक इसी तरह के हालात रहने की संभावना जताई जा रही है, उसके बाद मौसम शुष्क रहने वाला है। पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से प्रदेश में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन इस आंधी पानी और बारिश का असर आम लोगों पर साफ तौर पर देखने को मिला है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार मंगलवार और बुधवार को येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि प्रदेश में 1-2 स्थानों पर बिजली चमकने के साथ मेघ गर्जन की संभावना है। साथ ही उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के भागों के जिलों में 1-2 स्थानों पर बिजली चमकने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि गुरुवार के बाद से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलने वाला है। इसके बाद सामान्य तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार ने ब्लॉक किए 14 मैसेजिंग ऐप्स। देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा 14 मोबाइल मैसेजिंग ऐप्स को ब्लॉक कर दिया गया है, यानी कि अब देश में रहने वाले कोई भी लोग इस ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बता दें कि जिन 14 ऐप्स को केंद्र सरकार की ओर से ब्लॉक किया गया है उनमें बी चैट, नेट बॉक्स, IMO, एलिमेंट, सेकंड लाइन, जांगी, थ्रीमा, एनिग्मा, मीडिया फायर और ब्रियार शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इन ऐप्स को इसलिए ब्लॉक किया गया है क्योंकि सरकार को ऐसी जानकारी मिली थी कि इन ऐप्स का इस्तेमाल आतंकियों के द्वारा भी किया जा रहा है, जिस वजह से सरकार को यह बड़ा कदम सुरक्षा बलों, खुफिया और जांच एजेंसियों की सिफारिश पर उठाना पड़ा। वहीं अब इन ऐप्स के ब्लॉक हो जाने से आतंकियों के लिए अब अपना नेटवर्क चलाना आसान नहीं होगा। गंगा महाआरती का प्रदर्शन वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुआ दर्ज। कलेक्ट्रेट गंगा घाट पर IDPTS प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली के द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गंगा आरती वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। बता दें कि इस गंगा आरती का निर्देशन व संगीत संयोजन कथक गुरु बक्सी विकास के द्वारा किया गया है। मालूम हो कि कथक गुरु बक्सी विकास बक्सर की धरती के लाल मुरार ग्राम के रहने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस आरती का संगीत अवधि हिंदी, संस्कृत व रशियन भाषा में सजाया गया है। मालूम हो कि ऐसे बिहार की धरती पर पहली बार हुआ है जब 501 महिलाओं के द्वारा महाआरती का दिव्य प्रदर्शन नृत्य और संगीत के साथ हुआ हो। इसके लिए मुख्य संयोजक कैप्टन प्रवीण कुमार के द्वारा कथक गुरु बक्से विकास को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कथक गुरु बक्से विकास के द्वारा इस गंगा आरती को लेकर कहा गया कि इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज होना पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है। तेजस्वी के खिलाफ दायर मानहानि मामले पर अब इस दिन होगी सुनवाई। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात के अहमदाबाद स्थित मेट्रो कोर्ट में गुजरात के एक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा दायर मानहानि मामले को लेकर सुनवाई नहीं की गई, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि अब इस मामले पर सुनवाई 8 मई को की जाएगी। दरअसल कोर्ट के द्वारा परिवादी की गुहार को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 1 मई की तारीख तय की गई थी, लेकिन इस दिन सुनवाई नहीं हो सकी और अब इस मामले पर 8 मई को सुनवाई की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा गया था कि वर्तमान के हालात को देखा जाए तो सभी गुजराती ठग हैं। जिसके बाद उनके इस बयान को लेकर गुजरात के व्यापारी सामाजिक कार्यकर्ता हरीश मेहता के द्वारा तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद के कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कर दिया गया था। सीएम नीतीश और लालू यादव को लेकर सम्राट चौधरी ने कही ये बात। इन दिनों यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं अब इन अटकलों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा सीएम नीतीश पर तंज कसते हुए कहा गया है कि जनता ने अपना मन बना लिया है, अब नीतीश का खाता नहीं खुलेगा। उन्होंने कहा कि 2013 के बाद से नीतीश कुमार सरकार बचाने वाले मुख्यमंत्री रह गए हैं। अब नीतीश कुमार का कोई वोट बैंक नहीं है और वह लालू यादव की दया से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इसके साथ उन्होंने लालू यादव पर हमला करते हुए कहा कि बिहार की सत्ता में लालू प्रसाद की एंट्री का असर दिखने लगा है। पूर्व सांसद की रिहाई भी उसी का नतीजा है। नीतीश कुमार बिहार में गुंडों की सरकार बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब बिहार में लालू का जलवा चलेगा तो बाहुबली, बालू माफिया, शराब माफिया और अपराधी दिखेंगे। इसमें कोई नई बात नहीं है। उमेश कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा पर किया हमला। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के द्वारा उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा सीएम नीतीश को लेकर दिए गए बयान की
कि वह जिस भैंस पर सवार है उसका डूबना तय है, पर पलटवार करते हुए हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि हम सभी तो उपेंद्र कुशवाहा को नोटिस भी नहीं करते, केवल मीडिया के लोग ही उन्हें तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे नेता ने उन्हें उपेंद्र प्रसाद सिंह से उपेंद्र कुशवाहा बनवाया और जब हम लोगों ने उनको तरजीह दी तो उन पर कुछ बोलना अच्छा नहीं लगता। अमरीश कुशवाहा ने कहा कि जब वह हमारे नेता के नहीं हुए तो फिर किनके होंगे, सबको पता है कि वह कहाँ जा रहे हैं और किनके गोद में खेल रहे हैं। सुशील मोदी को ललन सिंह ने बताया झूठ बोलने वालों का सरगना। ललन सिंह पर निशाना साधते हुए बीजेपी के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि ललन सिंह को 6 महीने पहले मन की बात अच्छे लगते थे और आज बेकार लग रहे हैं। अब ललन सिंह ने सुशील मोदी के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि सुशील मोदी झूठ बोलने वाले गिरोह के सरगना है, उनको छपास की बीमारी हो गई है, छपने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। आज तक हमने मन की बात नहीं सुनी है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि मन की बात क्या होती है, आप देश की बात कीजिए, देश के प्रधानमंत्री हैं। इस खिलाड़ी को सीएसके का कप्तान बनाना चाहते हैं वसीम अकरम। ऐसा माना जा रहा है कि आईपीएल 2023 सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी आईपीएल होगा। ऐसे में सभी के मन में यह सवाल उठ रही है कि धोनी के बाद सीएसके की कप्तानी किसके हाथों में सौंपी जाएगी। बता दें कि इसको लेकर पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज वसीम अकरम के द्वारा कहा गया है कि उनके अनुसार सीएसके की कप्तानी धोनी के बाद अजिंक्य रहाणे को दे देनी चाहिए। दरअसल उन्होंने स्पोर्ट्स कीड़ा से बातचीत करते हुए कहा कि सीएसके ने आईपीएल 2022 में रविंद्र जडेजा को कप्तान के तौर पर इस्तेमाल किया था, लेकिन कप्तानी की वजह से उनके खुद के प्रदर्शन पर असर पड़ा था। सीएसके को कप्तान बदलना पड़ा था। मुझे लगता है कि चेन्नई को रहाणे से बेहतर ऑप्शन नहीं मिल सकता है। रहाणे के प्रदर्शन में निरंतरता आ रही है और वह लोकल प्लेयर भी हैं। हमने देखा है कि लोकल खिलाड़ी फ्रेंचाइजी क्रिकेट में ज्यादा सफल रहते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। आज ही के दिन रावलपिंडी में दंगे की आग भड़की थी जो 1907 में पश्चिम बंगाल से पंजाब तक फैल गई थी। महात्मा गांधी की हत्या मामले की सुनवाई 1949 में शुरू हुई। लोकसभा ने सार्वजनिक भविष्य निधि विधेयक 1968 में पारित किया। आज ही के दिन लोकसभा में पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट को मंजूरी 1968 में मिली थी। पहला थर्मोप्लास्टिक संयंत्र 1959 में रिसरा में खोला गया। 1996 में आज ही के दिन प्रसिद्ध गुरु चंद्रास्वामी को धोखाधड़ी के आरोप में तिहाड़ जेल की सजा सुनाई गई थी। आज ही के दिन भारतीय सेना द्वारा बांदीपुरा बाजार से 10.5 किलोग्राम चरस पर कब्जा 1998 में किया गया था। अनिल अंबानी ग्रुप की फर्म रिलायंस पावर लिमिटेड ने इंडोनेशिया में 3 कोयला खदानों का अधिग्रहण किया। ऑस्कर पुरस्कार सम्मानित फिल्म निर्माता निर्देशक और लेखक सत्यजीत राय का जन्म 1921 में हुआ। बालखंड में आज हम बात करेंगे मन की बात के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। ऐसे करें आज हम बात करेंगे मन की बात के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि पीएम के एक दिन के मन की बात संदेश की लागत 8.3 करोड़ और विज्ञापनों पर अब तक 830 करोड़ खर्च हो चुके हैं। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा भ्रामक है। 8.3 करोड़ रुपए उक्त तिथि तक मन की बात के विज्ञापनों का कुल आंकड़ा है, एक एपिसोड के लिए नहीं। ट्वीट मानता है कि प्रत्येक एपिसोड विज्ञापनों द्वारा समर्थित है, जो झूठा है। इंस्टाग्राम नोट्स में जुड़ने वाला है यह खास फीचर। कुछ समय पहले इंस्टाग्राम के द्वारा नोट्स फीचर पेश किया गया था जिसकी मदद से यूजर्स टेक्स्ट की मदद से अपनी बातों को कह सकते हैं। खास बात यह है कि इस नोट्स में कही गई बात को सिर्फ क्लोज फ्रेंड या वे लोग देख सकते हैं जिन्हें यूजर फॉलो करता है। प्लेटफॉर्म इस फीचर में एक नया फीचर जोड़ने पर काम कर रहा है। मेटा के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में घोषणा की है कि कंपनी ने एक नए फीचर की टेस्टिंग शुरू कर दी है जो सभी इंस्टाग्राम यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर एक नोट में एक गाना शेयर करने की अनुमति देगा। जहां तक उपलब्धता की बात है तो जकरबर्ग ने कहा है कि इंस्टाग्राम इन फीचर्स की टेस्टिंग कुछ देशों में कर रहा है, हालांकि उन्होंने उन देशों के नाम नहीं बताए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने दोस्तों को किसी ऐसे गाने के बारे में बताना चाहते हैं जिसे आप पिछले कुछ दिनों में लूप में सुन रहे हैं तो आप इसे नोट के रूप में शेयर कर सकेंगे। बीते साल के मुकाबले इतनी फीसदी अधिक रही जीएसटी कलेक्शन। जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों ने अप्रैल 2023 में इतिहास रच दिया। दरअसल इन आंकड़ों के मुताबिक 1.87 लाख करोड़ रुपए अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन रहा। वहीं 1,60,122 करोड़ रुपए मार्च 2023 में देश का जीएसटी कलेक्शन देखने को मिला था। बता दें कि 1,67,540 करोड़ रुपए बीते साल वर्ष अप्रैल 2022 में जीएसटी कलेक्शन रहा था। यदि इन आंकड़ों को देखें तो 19,495 करोड़ रुपए ज्यादा बीते वर्ष के मुकाबले इस वर्ष में जीएसटी वसूली की गई है। बता चले कि वित्त मंत्रालय की तरफ से भी जारी किए गए आंकड़ों में बताया गया है कि अप्रैल 2023 में जीएसटी कलेक्शन बीते साल के मुकाबले 12% अधिक रहा। अक्षरा सिंह ने विक्रांत सिंह राजपूत से की शादी।
अक्षरा सिंह आए दिन अपने किसी न किसी पोस्ट को लेकर सुर्खियों में बनी होती हैं। बता दें कि अब एक बार फिर से अक्षरा सिंह सुर्खियों में आ गई हैं। मालूम हो कि इन दिनों अक्षरा सिंह का सोशल मीडिया पर एक तस्वीर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अक्षरा सिंह के साथ विक्रांत सिंह राजपूत को भी देखा जा रहा है। इस तस्वीर को देखकर दोनों शादीशुदा नजर आ रहे हैं। वहीं इस तस्वीर के वायरल होने से अक्षरा सिंह और विक्रांत सिंह राजपूत के चाहने वाले लोगों के मन में ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या इन दोनों ने आपस में शादी कर ली है। तो हम आपको बता दें कि यह तस्वीर उनकी शादी की नहीं बल्कि एक फिल्म की है। मालूम हो कि तस्वीर को खुद अक्षरा सिंह के द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया गया है और लिखा गया है, चानू आई लव यू। लेकिन कुछ कमेंट्स को देखकर यह बात साफ हो गई है कि तस्वीर उनकी शादी की नहीं बल्कि फिल्म चानू आई लव यू की है। बीते दिन हमारे पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स पर लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बिट्टू कुमार राज, योगेंद्र रजक, पंकज कुमार दास, अतीक खान, नुन्नू गोलू कुमार, अरविंद सिंह, सतीश आजाद, मृत्युंजय कुमार, कृष्ण कुमार यादव, मोहम्मद सकीर हुसैन, विद्यासागर, अक्षय सत्यार्थ, समर सिंह, शंकर मुखिया, कन्हैया कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए में शामिल होने से बीजेपी को कितना फायदा होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।